अमेरिका की एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खियां आगे भी जारी रह सकती हैं। साथ ही अगर पाकिस्तान फिर से भारत को उकसाता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार भारत की पिछली सरकारों की तरह शांत नहीं रहेगी, बल्कि मोदी की सरकार में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करने से भारत परहेज नहीं करेगा। हालांकि साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना कम है, लेकिन संकट और ज्यादा गहरा सकता है। नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक के कार्यालय ने अमेरिकी कांग्रेस को अपनी वार्षिक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में कहा, हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सामान्य युद्ध की संभावना नहीं है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच संकट और अधिक तीव्र होने की पूरी पूरी संभावना है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत ने अपनी पॉलिसी बदल ली है और भारत अब बर्दाश्त करने के रास्ते से हट चुका है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि दो परमाणु संपन्न देशों के बीच तनाव की स्थिति दुनिया के लिए चिंता की बात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत की सरकार दो बार पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई पहले ही कर चुकी है। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में पाकिस्तानी आतंकी ने कश्मीर के पुलवामा में इंडियन आर्मी को निशाना बनाया था, जिसमें कई भारतीय जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें करीब 300 आतंकी मारे गए थे। इससे पहले पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 2016 में भारत के उरी में किए गए हमले के बाद भी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के जमीन पर घुसकर आतंकियों को मारा था। ऐसे में अमेरिकन खुफिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान फिर से भारत को उकसाता है तो मोदी की नेतृत्व वाली सरकार पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।